अगर आप बर्ड्स ब्रीडिंग और हेल्थ केयर की मालूमत चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बस स्टेशन को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जुनेद और आप लोग देख रहे हैं बर्ड स्टेशन। आज की जो मेरी वीडियो है वो मच्छरों के बारे में है। आप जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मी शुरू होते ही तो मच्छरों की जो है ना बहार, समझ लें एक किस्म की बहार ही आ जाती है। और ये जो मच्छर जो हैं वो अक्सर बर्ड्स के पाँव पर काटते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, और जो उनके चिक्स होते हैं जो बिल्कुल ही गंजे होते हैं, जिनके पर नहीं आए होते, तो उनको काट करके उनको बहार कर देते हैं, जिसकी वजह से चिक्स मर जाते हैं। तो आप अपने बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में मालूम दूँगा और गाइड करूँगा कि आपने क्या क्या इसका हल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वही आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े शहर में कि लोग जो है ना वो मच्छरों को मारने वाली मशीन इंस्ट्रक्टर लगाते हैं, लेकिन मशीन क्योंकि काफ़ी महंगी है तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तकरीबन 3000 से 3500 की वो मशीन आती है अच्छी वाली, तो हर बंदा तो वो ले नहीं सकता। तो मैं तो वैसे भी उसका जो है ना 100% रिज़ल्ट मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने लगाई हुई है तो इसलिए मुझे पता है उसका 100% रिज़ल्ट नहीं है। और भी काफ़ी दोस्तों ने मुझे बताया कि इसका जो है ना 100% रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए दूसरा जो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा वो जो है वो मोर्टिन का जो लिक्विड है, लिक्विड वाली जो मशीन है वो आप ले लें, वो भी तकरीबन 150-200 की, जो तकरीबन 70 रुपये का वो लिक्विड होगा तो 250-300 रुपये की मशीन होगी। तो लेकिन वो भी उसका जो ना अच्छा सोल्यूशन ही है मेरी नज़र में, क्योंकि वो 3 से 4 घंटे में वो जो लिक्विड है मतलब वो हवा में उड़ जाता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसके अलावा जो है ना आप मोर्टिन का जो कॉइल मिलता है तकरीबन 60 से 70 रुपये का तकरीबन इसकी प्राइस होगी, आप वो ले लें, तकरीबन 10 कॉइल होते हैं इसमें, तो वो बेहतरीन चीज़ है, वो भी मच्छरों को भगाने के लिए। तकरीबन आपके 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे। तो मैं आपको वो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप जो लोग उसको खरीद सकते हैं यानी कि उनको वो ये खर्चा महसूस नहीं आता, वो जो अपने बर्ड्स को बचाना चाहते हैं मच्छरों वगैरह से, तो वो लाजमी यूज़ करें, उसका कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। और उस लेकिन आपने उसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ आग लगने का डर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो चोला चलता रहता है। तो आपको जैसे पता कि बर्ड उड़ते रहते हैं कभी इधर से उधर, कभी खासतौर पर कॉलोनी में, तो आपने तो बिल्कुल जो है ना एहतियात करनी है बस चीज़ की, उससे आग ना लगे। अगर आपके क्वेश्चन वाले केजेस हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप कहीं पे भी उसको रख दो, उसके धुएं से मच्छर वगैरह भाग जाएंगे। तो उसके अलावा जो तीसरा सोल्यूशन है तो वो जो है ना मोर्टिन स्प्रे है, लेकिन वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर तौर पर, मच्छरों से तकरीबन भाग जाते हैं, तो वो भी काफ़ी खर्चे वाला काम है। इसके अलावा जो है ना मैं आपको जो है ना एक देसी टोटका बताऊंगा, तो आप एक लेमन ले लें और तकरीबन 20 लौंग ले लें, तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने लेमन काट कर रखा हुआ, 2 पीस किए हुए इसके, और इसके अंदर लौंग लगाई हुई हैं। इस लेमन के अंदर आपने 10-10 लौंग लगा देनी है, इससे ये होगा इसकी स्मेल से जो है ना मच्छर भाग जाएंगे और बढ़ के जिसके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये देसी और आसान किस्म का टोटका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ और इसका मुझे 100% रिज़ल्ट भी मिलता है। इसके अलावा आप पंसार की दुकान से हरमल ले आएँ, हरमल ला कर आपने क्या करना है, कोयले लेकर कोयले को आग जला लें, उसके ऊपर हरमल डाल दें, उसके धुएँ को बढ़ के केजी शर में फैलने दें। जैसे ही फैल जाए तो आपने ऐसा क्या करना है, एग्जॉस्ट फैन चला के वो धुआँ वहाँ से निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा धुआं वहाँ पड़ेगा तो बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकता है, कुछ उनको सांस की बीमारियाँ वगैरह हो सकती हैं। तो लिहाजा आप जो ना इस चीज़ की एहतियात करनी है कि ज़्यादा धुआं बर्ड के शेड और के जिसमें बिल्कुल ना हो। तो ये जो तरीके द्वारा मैंने आपको लास्ट वाले 2 तरीके बताए हैं, ये नींबू और लौंग वाला और हरमे वाला, यही बेस्ट सोल्यूशन है। और जो नींबू वाला जो तरीका है वो अब रेकमेंड ज़्यादा मैं आपको यही करूँगा, क्योंकि फ्री है किस्म का, कोई इतना महंगा नींबू आता नहीं है। इसको अलावा आप जो है ना नींबू के पौधे भी अक्सर लोग कहते हैं आप रख सकते हैं बर्ड केजी को शेड के पास, तो उस वो भी फायदेमंद होता है। तो आपने ये नींबू तब तक नहीं फेंकनी जब तक बिल्कुल सूख के ख़त्म ना हो जाए,
जब ये बिल्कुल सूख जाए फिर आप दोबारा नींबू ले लें, एक दो नींबू ले लें, उसमें 10-10 लौंग लगा दें और ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे जो है ना मच्छर वगैरह आते हों। इसके अलावा आपको कोई यानी कि सुराख वगैरह नजर आ रहा है जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मच्छर आ रहे हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से कवर कर देंगे तो वहाँ से भी यानी कि नेट वाली जो जाली मिलती है आप वो लगा दें तो इससे भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा मच्छरों के ऊपर। लेकिन आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, वो है सफाई। आप अपने बर्ड्स और कॉलोनी के जिसकी जितनी सफाई रख सकते हैं उतनी रखें, क्योंकि जितनी आपकी बर्ड्स की केजेस की सफाई होगी उतने ही मच्छरों के पैदा होने के और गंदगी फैलाने के चांस कम होंगे, क्योंकि ये गंदगी में पलते फूलते हैं। तो इसलिए सफाई का ख्याल आप लोग लाजमी रखें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने बर्ड्स केजेस की सफाई बिल्कुल भी नहीं करते, अगर करते भी हैं तो तकरीबन एक माह के बाद या दो माह के बाद करते हैं। तो मेरा ख्याल है तकरीबन एक हफ्ते से 10 दिन के बाद सफाई लाजमी करनी चाहिए बर्ड्स केजेस की, जितना भी गंद हो आप निकाल दें तो इंशाल्लाह आपके सलूशन का हल हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मच्छरों से। क्योंकि तो मच्छर जो है ना आप जो जब काटते हैं पाँव के पाँव पर उनके पाँव सूज जाते हैं, तो चिक्स जो गंजे होते हैं उनके पड़ नहीं आए होते तो वो बाहर से ही मर जाते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका जो सलूशन है ना आपने लाजमी करना है, अपने बर्ड्स को मच्छरों से लाजमी करना है। और हाथों की जिन्होंने जवा जो किनरी रखी हुई है उनके लिए तो ये लाजमी ये करना चाहिए कि वो मच्छरों से बचाएं फिंचेस, क्योंकि ये कैनरी जो है जो मच्छरों का बिल्कुल नहीं बर्दाश्त, क्योंकि वो मच्छर पाँव पे काटते हैं तो वो जो है ना पाँव सूज जाते हैं, तो अक्सर का तो कैनरी मारी जाती है। तो इसलिए जो है ना आपने लाजमी ये जो मैंने तरीके बताए हैं इस पर अमल करने से इंशाल्लाह आप मच्छरों से छुटकारा पा लेंगे। हरमल भी कोई इतनी महंगी नहीं है और पंसार स्टोर से इजीली मिल जाती है, 30-40 रुपए की आप हरमल ले आएँ और जैसे तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया है आप वैसे ही करेंगे तो इंशाल्लाह मच्छर आपके बर्ड्स के शेड में और कॉलोनी में या रूम में जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो यही जो बेस्ट सोल्यूशन है मैंने वो आपको बता दिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अक्सर लोग मेरी वीडियो को काफ़ी देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए बर्ड स्टेशन।